तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं पोकेमोन फायदर के एक और नए एपिसोड को लेकर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हरा दिया था इलीट फोर नंबर ब्रूनो को, और आज हम हराने वाले हैं एगाथा को। तो गाइस, मैंने आगे पिकाचू को रख लिया है क्योंकि पिकाचू सुपर इफेक्टिव तो नहीं है घोस्ट टाइप के खिलाफ, लेकिन थोड़ा सा डैमेज तो ज़्यादा ही करेगा और पोकेमोन से। और गाइज, अभी हमारा बैटल शुरू होने वाला है एगाथा के साथ। और गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज, अभी हमारा बैटल हो चुका है एगाथा के साथ, और पहला पोकेमोन है गेंगार। ओ भाई, लेवल 54 का गेंगार है, लेकिन मेरा राइचू संभाल लेगा थंडरबोल्ट से। मुझे नहीं लगता कि गेंगार एक ही बार में फेंट होगा, लेकिन ज़्यादा डैमेज तो करेगा। हाँ गाइज, ज़्यादा ही डैमेज करा आप, मुझे लगता है कि आप डैमेज थोड़ा सा कम किया। और गाइज, पैरालाइज भी कर लिया है, और मैं यहाँ पे डिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ भी कम है। डिक अटैक लग जाएगा शायद से अभी राइचू यूज वो। गाइज, लगता है कि यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे हुआ, इसीलिए यहाँ पे डिक नहीं लगा। और मैं थंडर करता हूँ, अभी तो फेंट हो जाना चाहिए गेंगार, क्योंकि थंडर बोल्ट से इसको इतना डैमेज हुआ था तो थंडर से। ओ गाइज, सिर्फ एक ही एचपी में बच गया, अब एक थंडर बोल्ट में साथ से जाना चाहिए। मैं क्विक अटैक कर देता, लेकिन क्विक अटैक लगेगा ही नहीं घोस्ट टाइप पोकेमोन को। नॉर्मल टाइप अटैक असर ही नहीं होते, लगता ही नहीं। और गाइज, थंडर बोल्ट से फेंट तो नहीं होगा क्योंकि पिछले बार भी फेंट नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे थंडर से हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा थंडर दो बार यूज किया लेकिन एक बार भी मिस नहीं हुआ। अभी ओ गाइज, लगता है कि उसके पास कुछ एबिलिटी है, इसलिए वो एक एक एचपी में बच जा रहा है। और गाइज, कंफ्यूज जैसे मैं हो चुका हूँ कंफ्यूज। प्लीज़ पिकाचू नहीं राइचू, अपने आप को यूज मत करना। ओ नाइस गाइज, हमारे राइचू ने फेंट कर दिया है। गेंगार को क्रिटिकल हिट लग गया, वो भी आखिरी में। और राइचू को मिल चुका है बहुत ज़्यादा एक्सपी। गोल्ड बैच के लिए मैं पोकेमोन चेंज नहीं करूँगा क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप है, और थंडरबोल्ट लग गया तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अपने आप को हिट मत करना। ओ गाइज, अपने आप को हिट कर लिए, अभी फेंट मत हो। पॉइजन फेंक। ओ गाइज, लगता है कि ये राइचू फेंट हो जाएगा, पॉइजन हो गया लेकिन फेंट नहीं हुआ। और भाई पॉइजन, लेकिन अभी हम लोग अटैक करेंगे राइचू। प्लीज़ अपने आप को हिट मत कर अपने। ओ गाइज, अपने आप को दो बार हिट कर दिया, इसीलिए मैं हो चुका हूँ फेंट। और मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ लैपरस को, क्योंकि आइस टाइप मूव भी फ्लाइंग टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव होते हैं। और गाइज, मैं यहाँ पे आइस बीम करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बटन दब ही नहीं रहा है। और मैं यहाँ पे पोकेमोन में जाके आता हूँ। अब तो हाँ, अभी यहाँ पे क्लिक हो गया, लेकिन मैंने गलती से बॉडी स्लैम में क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे बॉडी स्लैम से फेंट तो नहीं होगा, लेकिन आइस बीम से हो जाएगा। ओ भाई कंफ्यूज रे लैपरस, प्लीज़ अपने आप को हिट मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा हेल्थ कम है, फिर हेल्थ जाएगा आइस बीम लग जा। ओ गाइज, अपने आप को हट कर लिया, और अब तो लग जाना चाहिए, अब तो प्लीज़ कंफ्यूज से। ओ गाइज, कंफ्यूज से यहाँ पे हमारा लैपरस बाहर आ चुका है, और आइस बीम से अभी गो बैक फेंट ही हो जाएगा। हाँ, फेंट हो गया, सुपर इफेक्टिव मूव जो है। और अभी उसका तीसरा पोकेमोन कौन सा है, और लैपरस का लेवल भी अप हो गया। और तीसरा पोकेमोन आर्बक। आर्बक के खिलाफ ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए मैं न्यूडोकिंग को बुला लेता हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा कि न्यूडोकिंग के मूवसेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत कमज़ोर अटैक थे, लेकिन आप लोग अभी मेरे अटैक देखेंगे। यहाँ पे ब्रिक ब्रेक और अर्थक्वेक ब्लीजर्ड और कॉटे, और अर्थक्वेक से फेंट हो जाना चाहिए। वो गाइज फेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उसका हेल्थ कम हो गया और येलो हेल्थ हो चुका है। और हम लोगों को स्क्रीच किया जिससे डैमेज तो नहीं होगा, और अभी फेंट हो जाएगा आर्बक, उसने गलत अटैक कर लिया। और गाइज, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जहाँ पे पहले रिकॉर्ड करता था वहाँ पे नहीं हूँ। और गाइज,
यहाँ पे उसका हंटर आ चुका है, मैं स्लीप को बुला लेता हूँ। हाँ मुझे पता है कि स्लीप को डिसएडवांटेज है, लेकिन उसका मूव भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मुझको एक भी गोस्ट टाइप अटैक लगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और गाइस साइथिक अटैक सुपर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन गोस्ट टाइप मूव भी साइथिक टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव होते हैं। गेंगार मैं चेंज नहीं करूँगा, मैंने स्लीप को बचा के रखा था आखिरी के लिए, अगर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ गया। अगर स्लीप पहले ही फेंट हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और गाइस हम लोगों ने जीत लिया है इलीट फोर मेंबर एक अटैक को। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। और गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बैटल करेंगे दूसरे इलीट फोर से। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। तो यही था आज के वीडियो में, बाय बाय गाइस।